साल में बरामदगी कितनी हुई? इसमें देखिए, रावतपाड़ा इलाका है, वहाँ पे एक कुरियर कंपनी है जैसा कि उन्होंने बताया, और 40 लाख लूट की सूचना थाने पे आकर के दी थी। घटना लगभग 12:30 बजे के आसपास की, 2:30 बजे सूचना दी गई थी। मौके पे जाके सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और सबके द्वारा देखा गया तो घटना वो सही थी। उसमें CCTV फुटेज भी थे, जिसमें 4 लोग दुकान के अंदर घुसे थे और उनके द्वारा एक फायर भी किया गया था। इसमें पुलिस ने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके माध्यम और साथ ही जो हमारे पास फुटेज वगैरह प्राप्त हुए थे उसके माध्यम से ट्रेस किया गया, तो कुल 7 लोग इसमें निकल के आए। उनको पहचाना भी गया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। और इसमें से एक खंदौली के 4 लोग थे, साथ ही फतेहपुर सीकरी किरावली के 3 लोग थे, और इनके द्वारा अपनी निजी स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक भी इसमें प्रयोग की गई थी, जो फुटेज से स्पष्ट हुआ। इन्होंने जो घटना कारित की थी उसके बाद अपने घर गए थे तत्काल, और वहाँ पे इन्होंने कुछ पैसे घर वालों को भी दे दिए थे, कुछ कर्जदार थे उनको देने के लिए। अब जब इसमें इंट्रोगेशन शुरू हुआ, पूछताछ हुई, तो इसमें 5 लोग जिनको इस बात की जानकारी थी कि ये लोग घटना में शामिल हैं, वो लोग पकड़े गए। उनके पास से 4 लाख रुपए के लगभग रिकवरी भी हुई है, और कुछ के परिजन घटना होते समय ही उससे पहले ही फरार हो गए थे। उसमें एक होमगार्ड भी शामिल है, अभी तलाश हो रही है, नहीं मिल पाया। बाकी जो और लोग हैं वो यहाँ पे मिल नहीं पाए, लगातार पुलिस टीम दबिश में है, और शीघ्र ही जो है हम उनको गिरफ्तार करके और भी रिकवरी की जाएगी। सर, घटना में जो लोग शामिल थे उनमें से कितनी गिरफ्तारी हुई और कितना केस बरामद? घटना में कुल 7 लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 4 प्लस 1 मौके पे आए थे, 1 नीचे था, 4 ऊपर गए थे, 3 लोग पार्किंग में थे, और उनके जो सहयोगी थे, जो उनको बैकडोर से जो प्रोटेक्शन देने वाले लोग थे, वो लोग अभी तक कुल मिला के 12 लोग इस तरह का नाम आया, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 7 की गिरफ्तारी अभी शेष है, बाकी इंट्रोगेशन होगा, पूछताछ होगी।